दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में स्टाइलिश एजुकेशन लाइफ में। तो देखते हैं कैसे हम एक गूगल क्लासरूम पर एक क्लासरूम बनाते हैं। चलो आओ देखते हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना, पहले अपना गूगल क्लासरूम ऐप ऑन करना है, चालू करना है। गूगल क्लासरूम ऐप चालू कैसे करते हैं तो ये देखिए, गूगल क्लासरूम ऐप ये है, ठीक है। इसको चालू करना है तो हम चालू कर दिया है हमने इसको क्लिक करके। अब आपको कुछ नहीं करना ही है, आपको एक प्लस का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो प्लस का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। चलो आज करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, एक तो क्रिएट क्लासरूम, एक ज्वाइन क्लासरूम। अगर आपको ज्वाइन करना है क्लासरूम तो आप ज्वाइन कीजिए, अगर क्रिएट करना है, बनाना है क्लासरूम, नया क्लासरूम बनाना है तो क्लासरूम बनाएंगे। आज तो क्लासरूम बनाने के बारे में सीखेंगे। हमारे ज्वाइन करने की एक वीडियो और है जो हम हमारे चैनल से देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि इसे क्लिक कर देना है, नॉर्मली जो क्रिएट क्लासरूम है उस पर क्लिक कर देना है आगे बढ़ने के लिए। चलो दोस्तों क्रिएट क्लासरूम पे क्लिक करते हैं। अभी हमसे सब कुछ पूछेगा डिटेल कि आपका जो क्लासरूम है हमको कैसा बनाना है, क्लासरूम का नाम क्या होगा और सेक्शन रूम कितने की होगी और सब्जेक्ट क्या होगा। चलो दोस्तों इसको भरते हैं। पहले क्या भरना है, क्लासरूम का नेम। मान लो हमारा क्लासरूम का नेम है 12th क्लास, ठीक है। 12th क्लास हो गई हमारी क्लासरूम का नेम और सेक्शन हमने डाल दिया ए, ठीक है दोस्तों। रूम डाल दिया हमने कि हमारी क्लासरूम का, मान लो 100 बच्चे। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाएंगे हम, अब ये मैटर करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो। मान लो मैंने डाल दिया मैथ, कि कौन सा हम क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी क्लासरूम को। इंग्लिश करते हो आप, इंग्लिश डालो जिस जिस सब्जेक्ट के हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो पहले बात, इसमें नेट का यूज़ ज़्यादा होगा तो नेट ऑन रखना हमेशा। तो चलो अब क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों हो रहा है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। ये हो गई आपकी क्लासरूम बन गई। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस ये क्लासरूम को देखिए, आपका क्लासरूम बन चुका है, रेडी हो गया एकदम। क्लासरूम बन गई आपकी, क्लास 12 का ए है, सेक्शन है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, आपके साथ लिख के शेयर कर सकते हो। जैसे मान लो अगर हमको लिखना है कि वेलकम, तो हम वेलकम लिखेंगे नॉर्मली टाइप करके और यहाँ से चला गया कि हमने वेलकम लिख के भेज दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कुछ क्लास वर्क देना है तो क्लास वर्क भी दे सकते हो आप, यहाँ पर बच्चों को क्लास वर्क दे सकते हो। ये जो टिक का निशान है इसको क्लिक करके आप यहाँ पे क्लास वर्क भी दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक निशान दबाओ और क्लास वर्क दे दो कोई भी, मान लो अगर आपको कोई क्लास वर्क देना हो तो, नहीं तो फिर जो टिक है इसको दबाओ, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर हमने कोई असाइनमेंट है या क्वेश्चन है या मटेरियल है या कोई टॉपिक ही है, आपको कोई क्लासरूम पे वर्क देना है, असाइनमेंट देना है, तो असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। कोई सा भी असाइनमेंट दे दीजिए आप जो देना चाहते हो, यहाँ से आप फाइल को अटैच कर सकते हैं। ये आपका ये वाला पार्ट है जिससे आप किसी भी असाइनमेंट को अटैच कर सकते हो। किसी असाइनमेंट को अटैच करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप फिर आपसे पूछेगा कि आप कितने तारीख तक इसको देना चाहते हो, मतलब आपको ये कितने तारीख तक देना है। अगर मान लो आपको कोई असाइनमेंट देना है, आप डेट तो फिक्स करोगे कि एंड डेट कितनी है, आप कितने तारीख तक सबमिट कर दो। आप पॉइंट्स पॉइंट 100 में से दोगे कि आप जितने में से दोगे हैं पॉइंट्स, वो आपकी मर्जी है। टॉपिक आप चूज करोगे कि आप कौन से टॉपिक पे दे रहे हो असाइनमेंट, यहाँ से आप फाइल अटैच भी कर सकते हो। इससे फाइल अटैच कर लो कोई सा भी, अगर आपको फाइल अटैच करनी है तो, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया।
करेगा तो बिना इनविटेशन वो अंदर आ सकेगा क्लास में, बिना किसी रोक टोक के आपको उसको अंदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट क्लासरूम में आ सकता है। ये लिंक है, इसके लिए यहाँ पे शेयर का बटन है, आप शेयर कर सकते हो इस लिंक को और सब अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो इस लिंक को। आप चाहो तो क्लासरूम एक ऐप भी होता है गूगल मीट, अगर आप इस लिंक को अपने उस पर भेजोगे और गूगल मीट इससे एक्सेस हो सकता है, आप इस आईडी से अपने गूगल मीट को भी चला सकते। करोगे यहाँ डिसेबल इनविटेशन कोड हो जाएगा या रीसेट इनविटेशन कोड। डिसेबल मतलब वो किसी को दिखेगा नहीं, रीसेट मतलब क्या होगा कि आपका जो इनविटेशन कोड है वो बदल जाएगा, आप दूसरा कोड बाहर पाओगे। कोड आपका वर्क नहीं कर रहा है, आप भूल गए हो या आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हो। जैसे हम रीसेट करके दिखाते हैं, ये रीसेट कर दिया तो ये कोड अपने आप ही बदल जाएगा। देखो दोस्तों बदल गया ना, ठीक है दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिंक भी इसके अकॉर्डिंग बदल जाती है, आप चाहें तो इसको इनविटेशन लिंक को शेयर कर सकते हैं कहीं भी किसी पे भी। ठीक है दोस्तों तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, ये सब सेव कर लेना होता है जो भी आपने किया है। अभी आपका गूगल क्लासरूम एकदम अच्छे से बन चुका है, अब आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने स्टूडेंट्स को बढ़ाइए, यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों चलो अब धन्यवाद। जाने से पहले एक बार लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ये आप ही का चैनल है, बिना मोनेटाइजेशन चैनल है, इसमें कोई भी ऐड नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों थैंक यू।